82 साल पुरानी दुकान है तुहाडे वाले साहब दी सी मेरे दादा जी पहले हैं मेरे वाले साहब पहले हैं मेरा भाई पहले सी मैं बैठा हूं कोई बड़ी बात है ये देखो ये कुलचा है प्रॉपर ये फुला हुआ कुलचा है ये देखने में काफी हैवी लग रहा है ये खोया डल गया इसके अंदर अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अनदर सुपरली अमेजिंग एंड डिलीशियस वीडियो वंस अगेन। आज मैं आपको एक चीज़ ऐसी दिखाने वाला हूँ जो दास कुलचा जिसे बोलते हैं और दास कुलचा जहाँ से हमने आज तक देखा है वो ओरिजिनल नहीं है और जो ओरिजिनल है मैं आपको वो दिखाने लगा हूँ। हम जाएंगे चूना मंडी के अंदर, चूना मंडी के अंदर हम दास कुलचे को कवर करेंगे जिसकी रेसिपी के बारे में ये सुना गया कि 24 घंटे पहले इसको तैयार करना शुरू करते हैं और 24 घंटे बाद एक्चुअल प्रोडक्ट बन के सामने आती है और ये 50 साल पुराना फूड है जो कि लाहौर के अंदर मौजूद है। उसके बाद हम जाएंगे फरूखगंज के एरिया में, वहाँ पे हलवा पूड़ी वाले हैं, हलवा पूड़ी खाएंगे, वहाँ से उनका स्पेशल हलवा होता है, हलवे के अंदर वो स्पेशल खोया इस्तेमाल करते हैं उसको ट्राई करेंगे और फिर हम जाएंगे वहाँ से हबीबगंज के एरिया में, वहाँ पे एक लस्सी वाली दुकान है, गौसिया मिल्क शॉप, वहाँ से लस्सी ट्राई करेंगे। तो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से निकल के आ रहा है दास कुलचा। अच्छा तो ये कितना टाइम लगता है इसको बनने में, तैयार होने में? 24 घंटे में तैयार होता है ये? अच्छा सही। तो ये क्या चीज़ है? ये आलू वाली भाजी है। अच्छा ये हल्दी वगैरह में बनी हुई है ना थोड़ा ज़्यादा, और ये चने हैं। ठीक हो गया। और ये लौंचड़े होते हैं, इसमें बेसन और क्या शामिल होता है? बेसन है, मिर्चा सोडा है, जीरा है, अजवाइन है। दो दाल माछ वगैरह डालते हैं? दाल माछ नहीं डालते। ठीक है ठीक है। ये जी आलू भाजी आ गई, ये आ गए चने। अच्छा ये मिक्स ही कर देते हैं, सैलड डाल दें। पूरी इन्होंने प्लेट हमें पूरी बना के दी है इन्होंने, इसमें इन्होंने चने डाले, ये आलू की भाजी डाली हुई है इस तरफ और ये चने ऊपर डाले हैं थोड़े से, साथ में ये जो स्पेशल इनके लौंचड़े हैं ये इन्होंने डाले हैं, बेसन जीरा अजवाइन वगैरह मिला के इसको बनाते हैं ये। ये कोई स्पेशल रेसिपी है इनकी, इसको कॉपी करने की कोशिश की गई है लेकिन बकौल इनके वो कॉपी हुआ नहीं सही से, ओरिजिनल रेसिपी इन्हीं के पास है और साथ में इन्होंने थोड़ा सा सलाद दिया हुआ है हमें ये। अब इसको और ये दास कुलचा, ये देखो ये कुलचा है प्रॉपर, ये फुला हुआ कुलचा है, देखने में काफ़ी हैवी लग रहा है ये। जी यहाँ से जो है थोड़ी सी आलू भाजी उठाते हैं, ये आलू भाजी आ गई, और यहाँ से थोड़े से चने उठा लेते हैं, चने पहली बाइट है विदाउट लौंचड़ा। ये थोड़ा ड्राई लग रहा है मुझे, पहले खाने से पहले ना ड्राई ड्राई फील हो रहा है, काफ़ी ड्राई हुआ है जिसमें लाई वाला बरक थे। अच्छा ये तेज़ मिर्च वाले जो है ना आलू है, जो आलू भाजी है ना उसमें मिर्चें थोड़ी तेज़ है, और जो चने हैं वो सिंपल जितना चने बने होते हैं, जैसे आप ठोरों वाले चने होते हैं या जो हलवा पूड़ी वाले चने होते हैं उस तरह बने हुए, लेकिन थोड़े से थिक हैं, थोड़ा इनको ज़्यादा देर तक पकाया गया। जो इसका टेक्सचर है ना वो चिकड़ी छोले जैसे, चिकड़ी छोले होते हैं ना वैसा इसका टेक्सचर है चनों का। पूरा जो फ्लेवर बन रहा है ना वो सारे का सारा जो फ्लेवर कुलचे का, इसमें जितनी भी चीज़ें साथ में ऐड कर रहे हैं उसका फ्लेवर डिम हो जाता है कुलचे के फ्लेवर के आगे, कुलचे का फ्लेवर इतना स्ट्रांग है। हालांकि है ये सिर्फ थोड़ा सा मीठा मीठा फ्लेवर आ रहा है इसका। यहाँ से उठाते हैं ये लौंचड़ा, ये जो लौंचड़ा है इनका एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये सिंपल बेसन बेसन का ना पकौड़ा सा बना हुआ है, ये वो चीज़ है। मेरे हिसाब से ना इसका कोई रायता होना चाहिए था, इसके साथ चने लगाने थोड़े से मैंने काफ़ी ड्राई बाइट दी है। जो लौंचड़ा है ना वो भी एक्चुअली सिंपल वो जिस तरह पकौड़ियाँ होती हैं ना वही चीज़ है ये। अच्छा यार ये जो जो कुलचा है ना ये बिल्कुल ड्राई है, मतलब इसको अगर आपने पहले नहीं खाया तो ये आपसे तैयार नहीं खाया जाएगा, अगर थोड़ा सा रायता होता मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा बेहतर हो जाता खाने के लिए, लेकिन ये चूँकि इसकी रेसिपी नहीं है रायते वाली, इसकी रेसिपी ही ये ड्राई है तो इसको ड्राई ही खाया जाता है। बाकी ट्राई करने एक दफ़ा अगर आपने ट्राई नहीं किया पहले तो थोड़ा ट्राई कर ले। ओरिजिनल वाला ये है, वो ओरिजिनल नहीं है जहाँ से आपने आज तक खाया है बकौल इनके।
अच्छा जी, अभी मैं इस समय आया हूँ फरूखगंज के एरिया में। यहाँ से हम एक स्पेशल हलवा पूरी ट्राई करने आए हैं। उनका हलवा खास है, हलवा पूरी की बात तो पता नहीं, लेकिन हलवा उनका बहुत स्पेशल किस्म का पूरा होता है, वो ट्राई करने आए हैं उनसे। फरूखगंज का ये एरिया, अगर आप मीनार पाकिस्तान वाली साइड से आएंगे तो फरूखगंज अंडर पास से निकल के आपने आगे को आना है तो ये बाज़ार आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे सब नाश्ते चल रहे हैं। संडे का दिन है, सुबह का टाइम है और यहाँ फुल नाश्ते का सीन होना भाई। ये अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक है। क्या है आपके पास? भूख पाया चले हैं तो फ्री पाया। अच्छा माशाल्लाह। ये नली है ना? हाँ जी। ये पाए की बोटी रखी हुई है? ये पाए की। ठीक है, ये लाल बोटी बॉन्ग, ये मिक्स है। ठीक हो गया। और ये शोरबा, इसमें भी कुछ रखा हुआ है नीचे? नहीं, इसमें हड्डियाँ। अच्छा, हड्डियाँ यखनी वगैरह के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, ये थोड़ा सा आगे जो ना, यहाँ पराठे चल रहे हैं भाई जान। भाई ये कौन सा पराठा लगाया आपने? सादा पराठा। सादा पराठा, ठीक हो गया। कौन कौन से होते हैं आपके पास? सादे ही होते हैं। एरिया जहाँ से अभी हम चलते हुए आ रहे हैं, ये पीछे पाए शाए लगा के और ये बोंग और ये चने लगा के बैठे हैं, ये थोड़ा सा इधर को आएंगे ना, ये आगे जाता है फरूखगंज अंडर पास की तरफ। तो यहाँ पे ये शुरू में ये है जहूरदीन हलवा पूड़ी वाले, इनसे हलवा ट्राई करने आया हूँ। हलवा कोई स्पेशल सुना है आपका, कौन सा है वो? अच्छा, ये खोए वाला है। ये किस तरह देते हैं, मतलब कितना किलो पाओ? 200 का पाओ। 82 साल पुरानी दुकान है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ। 82 ਸਾਲ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ 76 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। 76 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ? 76 ਸਾਲ ਮੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 76 ਸਾਲ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਖੋਏ ਦਾ ਹਲਵਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਖੋਏ ਦਾ ਹਲਵਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸਲ ਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਵੱਡੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ? ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਾਨ 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 ਭਈਆ। ਅੱਛਾ, ਨਾਨ ਭਈਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੌੜੇ ਲਾਲਤੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਕੌੜੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਬੈ ਰਹੀ। ਨਾਨ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਲਾਣੇ ਹੁਣ? ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾਨ ਲਾਣੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਾਨ ਛੱਡਦੇ ਦਾਦੇ ਸਾਹਿਬ। ਦਾਦੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਬਸ, ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਚੱਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਮ ਭੱਟ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੋ? ਫੈਜ਼ ਫਰੂਖਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੈਦਾਇਸ਼, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਸੀ? ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਨ? ਅੱਛਾ, ਭੱਟ ਭੱਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੋਂ? ਠੀਕ ਠੀਕ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ये हलवा बन रहा है? फुल। अच्छा, ये खोए वाला पूड़ा बन रहा है? ये खोया डल गया इसके अंदर। लो जी, ये हमारे सामने जाना, ये चने आया। ठीक है, इसको थोड़ा सा आलू भाजी मिक्स कर दी इसके अंदर। और ये इनका जो है ना, ये स्पेशल पूड़ा है इनका। ठीक है, उस पर एक खोया डला हुआ साइड पे यहाँ पे, और ये सूजी का हलवा। अभी आपने इन्होंने डलते हुए दिखाया सारा, मेरा कैमरा शैमरा गंदा ही हो गया। अब इसको ट्राई कर लेते हैं पहले हलवे को। ये हलवा साथ में थोड़ा सा खोया उठा लेते हैं। ये खोया वाला पूड़ा है, पहली बाइट पूड़े की। इसमें लाए वाला बरकत दिला। ज़्यादा जो कमाल है ना, ज़्यादा कमाल खोए का। वो खोए की वजह से ना बहुत थिक और बहुत क्रीमी फ्लेवर, इसका क्रीमी टेक्सचर है इसका। बाकी कुछ इतना खास नहीं है, सिंपल सूजी का हलवा है। लेकिन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन जो सारा कमाल है ना इसमें वो खोएगा। खोए की वजह से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसका। ये आगे चने और यहाँ से इसकी आलू भाजी, ये ऐसे ही पूरी बाइट बन जाएगी। चलो, और आलू की मिक्स बाइट। इसमें जो है ना, जो ये जो चने हैं, इसमें मुझे जो फील हो रहा है, चने जो है ना थोड़े खड़े खड़े कच्चे कच्चे, थोड़े उबले हुए चने ज़्यादा है। चनों के अंदर जो फ्लेवर सही से जज़ब हुआ होता ना, वो नहीं है इसके अंदर। आलू अलग से अच्छे पके हुए हैं, आलू भाजी अच्छी लग रही है, और चने थोड़े से
लाइक उबले हुए चने टाइप फील आ रही है, उसकी वजह से चनों का फ्लेवर प्रॉपर आ रहा है, चनों के अंदर कोई स्पेशल मसालों का फ्लेवर नहीं आ रहा, और आलू जो भाजी, आलू भाजी जो है वो प्रॉपर उसके अंदर प्रॉपर फीलिंग आ रही है, अच्छे मसाले उसके अंदर डले हुए, अच्छी बनी हुई है वो। अभी हम आए हबीबगंज का एरिया, जहाँ पे हम फरूगंज पे खड़े थे उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो चौक बनेगा, चौक से लेफ्ट हो जाएंगे तो आप बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे फरूगंज का और आप एंटर हो जाएंगे हबीबगंज के एरिया में। हबीबगंज में हम यहाँ पे आए, इनसे लस्सी पीने, गोशिया मिल्क शॉप है मेरे पीछे, इनसे हम लस्सी ट्राई करने आए हैं, तो अभी इनसे लस्सी पीते हैं। ये लस्सी बन रही है, ये कितने का ग्लास है लस्सी का? 80 रुपये का। ये लस्सियाँ हमारी तैयार हो रही हैं यार, हमारे पास लस्सी आ गई, 4 बंदे हम टोटल, ठीक है। ये इनाम भाई हैं, इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया था अपने एरिया को कवर करने के लिए। इनके साथ एक और भाई हैं, इनका नाम पता नहीं मुझे क्या है, उमर नईम साहब। यार इनके पास ना खुशबू होती है बड़ी कमाल किस्म की, मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा अगली वीडियो के अंदर। और ये मैं आपका अपना हलाल ब्लॉगर, ये अभी हम लस्सियाँ ट्राई करते हैं, बैठ के पीते हैं यार। यार बड़ी कमाल की लस्सी है यार, ये किधर छुपा के रखा था आपने? अच्छी लस्सी है यार, वेरी नाइस, बिल्कुल भी दही की खटास नहीं है, और दूध भी इसमें तो डला हुआ, दूध डला हुआ है इसमें, दूध डालता है थोड़ा, हाँ थोड़ा दूध दूध डला हुआ है इसके अंदर, थोड़ा सा अदरिटका टाइप बना हुआ है, बड़ा मीठा मीठा और ठंडा ठंडा यार, ये फुल फुल ठंडा गिलास है। और ये पित्तल के गिलास का जो मज़ा है ना भाई, लस्सी पीनी है ना तो ये डिस्पोजेबल ग्लासों से जान छुड़ाएं, पित्तल के ग्लास में लस्सी पीने का, वैसे ये स्टील है। ओहो सुभानअल्लाह यार, माशाल्लाह बहुत मज़े की लस्सी, कमाल भाई। अभी ये हमने ना यहाँ पे नाश्ता कर लिया, दाल कुलचा हो गया हमारा, हलवा पूड़ी और ये लस्सी, तो आपसे यहाँ अभी इजाज़त चाहते हैं, आपसे मुलाकात करें इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। यार मुझे मना करते हैं लोग, ऐसे हाथ ना मना करो, इनको दिल दिल पे मारते हैं ऐसे करके।